कुछ सुविधाएं ऐसी होती हैं जिनके बगैर कोई भी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय अथवा सार्वजनिक उपक्रम की व्यवस्थाएं अधूरी होती हैं, जिनकी पूर्ति करना सभी के लिए नितांत आवश्यक होता है, क्योंकि यह सिर्फ उन्हीं कार्यालय अथवा सार्वजनिक उपक्रमों तक ही सीमित नहीं रहता है, इसका सीधा असर आम जनता के ऊपर पड़ता है। ऐसी ही एक सुविधा अग्निशमन सुरक्षा संयंत्र है, जिसको सभी सरकारी गैर सरकारी कार्यालयों सहित स्कूल कॉलेज तथा बस ट्रक आदि सभी में अनिवार्य कर दिया गया है। लेकिन यह कितना प्रभावी होता है, इसकी बानगी अभी कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र के एक जिला अस्पताल में देखने को मिली, जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते जिला अस्पताल के NICU में आग लग गई और 10 नन्हे मुन्ने अबोध बच्चे काल के गाल में समा गए। इस घटना के बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अधिकारी भी अब इस बात को लेकर संजीदा नजर आ रहे हैं। इसी को दृष्टिगत रखते हुए देर शाम अमेठी जिला चिकित्सालय में स्थापित अग्निशमन सुरक्षा संयंत्रों और उपकरणों का भौतिक सत्यापन एवं निरीक्षण करने के लिए ट्रेनी IAS के रूप में तैनात जनपद मुख्यालय गौरीगंज तहसील के उप जिलाधिकारी संजीव कुमार मौर्य जिला चिकित्सालय असैदापुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने अभी हाल में ही बनकर तैयार एवं संचालित मलिक मोहम्मद जायसी संयुक्त जिला चिकित्सालय के नवीन भवन में स्थापित आपातकालीन फायर सेफ्टी सर्विस का बारीकी से निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके साथ फायर सेफ्टी ऑफिसर तथा सर्विलांस के अधिकारी मौजूद रहे, जहां पर उन्होंने पाया कि अभी सभी जगहों पर फायर सुविधा की कनेक्टिविटी नहीं है, जिसको तत्काल प्रभाव से पूरा करने के लिए संबंधित को निर्देशित किया। इसी के साथ आपातकालीन सेवाओं के लिए अस्पताल के कर्मचारियों को फायर सेफ्टी सर्विस की ट्रेनिंग दिलाने की बात कही, जिससे किसी भी प्रतिकूल परिस्थितियों में अस्पताल प्रशासन आसानी से निपटा सके। सर, अभी जिला चिकित्सालय के फायर सेफ्टी को लेकर आपने निरीक्षण किया, क्या पाया, किस तरह से? आज जो है शाम को जिला चिकित्सालय अमेठी, यहाँ पे फायर सेफ्टी ऑफिसर के साथ जो है निरीक्षण किया गया है। हमारे साथ जो है जिला सर्विलांस ऑफिसर भी हैं। तो यहाँ पे ये पाया गया कि जो हमारे कनेक्शंस हैं फायर सेफ्टी के लिए, पंप अभी उसके होने, वो अभी हमारा पूरा नई कनेक्शन हुआ है। बाकी सारी जो प्रोविजंस है फायर एक्सटिंग्विशर के, स्प्रिंकलर के, वो सारे प्रोविजंस हो गए हैं और एक बार चेकिंग उसकी करनी है, जिसके कारण कि आगे के कोई दिक्कत ना आए वो इंश्योर। अभी कुछ ट्रेनिंग को लेकर के बात कर रहे थे सर, क्या है, किस तरह की ट्रेनिंग दी जानी है? फायर से संबंधित जो हमारे बगल में CSC संचालित है, प्लस जो इस विंग में हमारे हेल्थ स्टाफ हेल्थ वर्कर्स काम करते हैं, उनको फायर सेफ्टी रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाए, ताकि जो है इन केस कोई अनटॉवर्ड एक्सीडेंट होता है, इंसिडेंट होता है, तो उससे कैसे बचा जा सके, उनके इस बारे में जानकारी मिल सके।